Assalamualaikum. Welcome to Tanvir English. Today's topic is preposition. आज जो टॉपिक है preposition के लिए है, तो ये preposition बहुत important है. जैसे कि above, on, inside, in, below, among, opposite, under, in front, next to, beside किस तरीके से use होता है, हमने practical किया है. The lamp is above the table. लैम्प क्या है? अपोजिट टेबल के ऊपर है. ये देखो लैम्प क्या है? टेबल के ऊपर है. ये हमने यूज किया है जो है अबो. अबो माना हायर, तो अबो यूज किया है. उसके बाद जो है द मीट इज ऑन द टेबल. मीट इज ऑन द टेबल. ये मीट है, ये कहाँ पे? टेबल पे. द पेन इज ऑन द टेबल. द पेन द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल. इस तरीके से भी यूज हो सकता है. ठीक है, द मीट इज ऑन द टेबल. ये टेबल है, यहाँ पे मीट जो है कहाँ पे? ऑन टेबल पे. ठीक है, माय पिक्चर इज ऑन द टेबल. ये भी यूज हो सकता है. उसके बाद जो है बर्ड. द बर्ड इन इनसाइड द केज. इन या इनसाइड, ये बहुत करेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, बर्ड क्या है? जो है केज में है. बर्ड इन इन साइड द केज. ये भी दोनों यूज हो सकते हैं. उसके बाद जो है बिलो. द टेम्परेचर इज बिलो द जीरो. टेम्परेचर क्या है? बिलो द जीरो. ठीक है, बिलो एक और बिलो यूज होता है, एक अंडर भी यूज होता है. अंडर भी बता रहा हूँ मैं आपको. उसके बाद जो अंडर. द कैट इज अंडर द टेबल. ये कैट जो है किसके नीचे है? टेबल के जो है वो नीचे है. द कैट इज अंडर द टेबल. टेबल के नीचे अंडर हम यूज कर सकते हैं. बिलो किसके लिए यूज किया मैंने? बिलो यूज किया द टेम्परेचर बिलो द जीरो, तो हम फिर हमने ये यूज किया है बिलो. ठीक है, उसके बाद जो है द लॉरी इज इन फ्रंट ऑफ द कार. लॉरी क्या है? कार. लॉरी इज इन फ्रंट ऑफ द कार. लॉरी जो है इन फ्रंट है कार के, जो है आगे, तो ये यूज किया है. उसके बाद जो है उसके बाद जो है साम इज बिटवीन टॉम एंड किम. साम इज बिटवीन टॉम एंड किम. किम जो साम है किसके बीच में है? किम और टॉम के बीच में. ये जो है ये जो बिटवीन यूज हुआ है वो तीन के लिए यूज हुआ है. और बिटवीन जो है और अमंग में क्या फर्क है? बिटवीन और अमंग में, बिटवीन जो है तीनों के बीच में. ठीक है, जैसे कि साम इज बिटवीन टॉम एंड किम, ये तीनों के बीच में है. अगर अमंग किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे ज्यादा हो तो फिर अमंग यूज करते हैं. जैसे कि हम अमंग यूज किया है द हाउस इज अमंग द ट्री. हाउस इज अमंग दी. ये जो है हाउस है वो दरख्तों के नीचे है, वो दरख्त है, तो हमने इस तरह से यूज किया है. उसके बाद जो है द किम इज नेक्स्ट टू बिसाइड द साम. द किम इज नेक्स्ट टू बिसाइड द साम. किम जो है वो किसके नजदीक है? साम के नजदीक है, या बिसाइड दोनों यूज हो सकते हैं. उसके बाद जो है अपोजिट. किम इज अपोजिट टॉम. ये किम में, ठीक है, किसके अपोजिट है? जो है टॉम के अपोजिट है. ठीक है, इसी तरीके से हमने यूज किया है. और उसके बाद जो है द गर्ल इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल. ये किसके अगेंस्ट है? गर्ल जो है वॉल के जो है वो उसके अगेंस्ट ये यूज हुआ है. इंशाल्लाह ताला, सी यू टुमारो. गुड बाय. Assalamualaikum. Welcome to Tanvir English. Today's topic is a preposition. Preposition जो है वो हर्फ जा रहे, वो मोशन में हम यूज करेंगे. Preposition टू है. सबसे पहले कि हम पढ़ेंगे कि अप द लेडर. अप पढ़ेंगे, अलॉन्ग पढ़ेंगे, अक्रॉस पढ़ेंगे, और आउट अप पढ़ेंगे, डाउन पढ़ेंगे, इन टू पढ़ेंगे, टूवर्ड्स पढ़ेंगे, थ्रू द पढ़ेंगे, ओवर द पढ़ेंगे, अराउंड द ट्रिक पढ़ेंगे. ये सबसे पहले ये मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ये इसको जो है थोड़ा अंडरस्टैंड करना है और सही तरीके से लिसनिंग करनी है. सबसे पहले हम यूज करेंगे अप. अप किस तरीके से यूज हो रहा है? अप द लेटर. अप द सीढ़ों से ऊपर.
अप द लेटर यूज किया, उसके बाद जो है हम अप द माउंटेन यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये माउंटेन से ऊपर, फिर ये नीचे आ जाए तो फिर डाउन, अप द डाउन माउंटेन, यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर यूज कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, अप द लेटर ये भी करेक्ट है, अप द लेटर किया मैंने यूज, उसके बाद जो है लेटर के बाद जो है खंबे, खंबे से जो है कट्ठी जो यूज किया है, और अलॉन्ग द पोल, अलॉन्ग द पोल ये क्या है, खंबे से कट्ठे, और यहाँ पे यूज है अलॉन्ग, यहाँ आप यूज कर सकते हैं अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रोड भी यूज करते हैं हम जो है, अलॉन्ग द रिवर, रिवर से जो है जो किनारे से जो हम चलते हैं तो फिर हम यूज कर सकते हैं, फुटपाथ से जो है रोड के जो है अलॉन्ग द रोड, फुटपाथ जो होता है हम उसके कट्टे चलते हैं तो फिर अलॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं अलॉन्ग के, अलॉन्ग अलॉन्ग द पोल ये भी यूज कर सकते हैं, अलॉन्ग द पोल ठीक है, कट्टे ये पोल से जो है कट्टे खंबे से जो है उसके कट्टे यहाँ पे यूज किया, उसके बाद जो स्लाइड, स्लाइड जो है डाउन द स्लाइड, यहाँ पे जो तिरकनी होती है क्या बोलते हैं, तो फिर उसको जो है हम यूज करते हैं डाउन द स्लाइड, यहाँ से डाउन द स्लाइड हुआ, स्लाइड ये यहाँ पे उसने झंप लगाया, झंप के बाद ये क्या हो गया, झंप के बाद जो इनटू यूज, इनटू द पूल, इन भी यूज करते हैं लेकिन इनटू द पूल मोशन में आ गया, उसके बाद मोशन के बाद जो है हमने क्या किया, इसके किसके नजदीक आया, पूल के जो नजदीक आया तो अक्रॉस द पूल, अक्रॉस द पूल उसके नजदीक, अक्रॉस जो नजदीक जो आ गया, किसके पूल के नजदीक आ गया तो हमने यूज किया अक्रॉस द पूल, अगर बाहर आ जाए तो क्या करेंगे, आउट ऑफ द पूल ठीक है, आउट ऑफ द पूल यूज किया अक्रॉस, ऐसे जैसे कि हम यूज करते अक्रॉस, दूसरा भी यूजेज इसका अक्रॉस द रोड, जो रोड है तो हम क्या करते हैं, अक्रॉस करते हैं रोड, क्रॉस करते हैं, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस अक्रॉस रिवर भी क्या करते हैं हम, अक्रॉस करते हैं, ये भी यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा एग्जांपल है, अक्रॉस द पूल यहाँ पे, आउट ऑफ द पूल, आउट ऑफ द पूल यहाँ पे जो इसे यूज किया, फिर हम ये भी आउट ऑफ, जो दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आउट ऑफ द कार ये भी हो सकता है, आउट ऑफ द बस, बस से जो बाहर ये भी यूज कर सकते हैं, जब कार में हम बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं आउट ऑफ द कार, कार से बाहर आ गए तो हम ये भी क्या किया है इसने, आउट ऑफ द पूल ये जो है तला से क्या आ गया, बाहर आ गया तला से, तो आउट ऑफ इसने यूज किया ये भी ठीक है, उसके बाद जो है थ्रू द टनल ठीक है, जो है थ्रू जो टनल सिंक जो है, सिंक के दरमियान जो है ये यूज किया है, ये सिंक होती है ये दरमियान उसने यूज किया है, यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने ये क्या है आई थ्रू द विंडो, ये मैंने जो है पेन जो है क्या किया, पेन जी अगर थ्रू करूँगा, फॉर एग्जाम्पल बर्ड जो होता है वो थ्रू करता है विंडो से ऊपर, नीचे जो है दो विंडो है ठीक है, दो विंडो है तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो अगर बर्ड चला जाए तो फिर ये क्या करे थ्रू, बाल भी हम थ्रू करते हैं ये भी यूज हो सकते हैं, उसके बाद जो है हमने टूअर्ड द फिनिश, इख्तिताम दा जो है टू वर्ड्स हमने यूज किया, ये क्या कर रहा है इख्तिताम दा ये भी यूज कर रहे हैं, और ओवर द वॉल जो दीवार के जो है दीवार के ऊपर ये यूज किया है, राउंड द ट्रैक के राउंड चौड़ाई जो है इसने यूज किया है, ओवर जो यूज होता है ये मैंने आपको बताया कि ओवर जो है आई जंप फॉर एग्जांपल आई जंप ओवर द वॉल ठीक है, आई जंप द कैट जंप ओवर द वॉल ये यूज, अगर मैं जंप लगाऊं यहाँ पे उधर तक जो आई जंप करूंगा तो ये हम क्या करेंगे ओवर करूंगा ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है, तो फिर भी मैंने आपको फिर भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि अप द लेडर प्रीपोजिशन टू यूज हुआ है, अप द लेडर जो सीनो से ऊपर यूज किया है अप द लेडर, उसके बाद जो है क्या कर रहा है ये अप कर रहा है, अगर ये नीचे आ जाए तो फिर डाउन हो जाएगा, अगर अलॉन्ग द पोल तला जो है खंबे से जो है कट्ठे अलॉन्ग द पोल ये खंबे से कट्ठे आ रहा है यहाँ से ऊपर ये चढ़ा फिर यहाँ से कट्ठे आ रहा है, उसके बाद जो ये क्या कर रहा है डाउन स्लाइड हो रहा है, स्लाइड के बाद ये क्या कर रहा है इनटू द पूल तला के जो नजदीक आ गया उसने झंप लगाया, झंप के बाद जो है तला के जो है आस पास जो है ये यहाँ पे आ गया है अक्रॉस द पूल यहाँ पे उसके तला के नजदीक आ गया, फिर ये क्या कर रहा है ये तला से बाहर आ रहा है, ये क्या करेगा फिर आउट करेगा, क्या करेगा आउट करेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये समझे जो तिरकनी जो होती है जो यहाँ पे डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद जो है थ्रू द टनल ये जो है
सिरिंज के दरमियान ये यूज कर रहा है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, जैसे कि ये इसमें यूज किया है। फिर टुवर्ड द फिनिश इतना ना ये यूज ओवर ओवर ये दीवार से ऊपर ओवर द वॉल राउंड ट्रिक ये भी यूज किया है। इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो, गुड बाय।